नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें डीवी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के बीजेपी और संघ पर निशाने की, यूपी में एनडीए के अंदर बगावत के संकेतों की, बात करेंगे बीजेपी उम्मीदवारों पर बीजेपी के ऐलान की, पीएम की रैली में नीतीश की फजीयत की, जानेंगे तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के बाद कैसे लगातार मजबूत हो रही है कांग्रेस, और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल में बीजेपी की चाल नहीं होगी सफल, राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐलान, पूरे 5 साल चलेगी कांग्रेस की सरकार। लालू यादव का नीतीश कुमार पर तंज, इस बार नहीं देंगे उन्हें जगह, 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में आने के लिए लोगों को दिया न्योता। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को लगा बड़ा झटका, दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने लिया बड़ा एक्शन, सुकेश चंद्रशेखर के आरोप पर अब होगी सीबीआई जांच, सुकेश ने लगाया था जेल में अवैध उगाही का आरोप। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को लेकर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी आरोपियों को बचाने में लगी है। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 4 दिन के ब्रेक के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। यात्रा आज राजस्थान के धौलपुर से शुरू हुई और एमपी के मुरैना होते हुए ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में ही आज रात्रि विश्राम है, तो न्याय यात्रा के दौरान क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई है। वे राजस्थान के धौलपुर से मुरैना जिले की सीमा में पहुंचे। मुरैना में सभा स्थल पर पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ राज्य में पार्टी के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को यात्रा का ध्वज सौंपा। इसके बाद राहुल गांधी ने मुरैना के पिपरेई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें राहुल ने कहा हमने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी जिसमें हजारों लोग हमारे साथ चले, क्योंकि देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत हिंसा और डर फैला रहे हैं। आप जानते हो कि विपक्ष की बात मीडिया में तो आती नहीं है, तो हमने सोचा सीधे जनता के बीच जाकर अपनी बात रखें। इसलिए आजादी के बाद शायद कोई 4000 किलोमीटर की यात्रा किसी पार्टी ने की। देश में 2 विचारधारा की लड़ाई है, नफरत और मोहब्बत के बीच में जो लड़ाई हो रही है, हिंसा और अहिंसा के बीच में जो लड़ाई हो रही है, वो लोगों को साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से बांट रहे हैं, एक जाति को दूसरी जाति से बांट रहे हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। वही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव हमारे देश के नौजवानों के किसानों के भविष्य का चुनाव है, आप सच्चाई का साथ दीजिएगा। राहुल की यात्रा का संदेश क्या है, ये केवल प्यार मोहब्बत और शांति की बात कर रहे हैं, यही हमारे देश की संस्कृति है। मंच पर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसके बाद न्याय यात्रा बाणमोर मुरैना से होते हुए ग्वालियर के पुरानी छावनी निरावली पॉइंट से शहर में एंट्री की, जहां यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। जानकारी के लिए बता दें कि न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 5 दिन रहेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल से राहुल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी दबाव में है और ये दबाव उसके सहयोगियों ने और बढ़ा दिया है। दरअसल लोकसभा चुनावों को लेकर सीट बंटवारा बीजेपी के गले की फांस बन गया है। यूपी में तो सहयोगी दलों ने बड़ी बगावत का संकेत भी दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान नाराज सहयोगियों को मनाने में जुटा है। तो कैसे यूपी एनडीए में हो रही है बगावत, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों को लेकर यूपी में एनडीए के सहयोगियों ने बगावत के संकेत दे दिए हैं। राज्य में बीजेपी, अपना दल SRLD, निषाद पार्टी और सुबह सपा के साथ मिलकर चुनाव मैदान में हैं। लेकिन सहयोगियों को बीजेपी सीट देने को तैयार नहीं है। निषाद पार्टी को सिर्फ 1 सीट दी जा रही है और उस पर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे निषाद पार्टी नाराज दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर OP राजभर 5 सीट मांग रहे थे,
उन्हें भी एक सीट का ऑफर किया गया है। राजभर के लिए बीजेपी ने सिर्फ इतनी राहत दी है कि वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। आरएलडी और अपना दल एस को दो दो सीटें देने की तैयारी है, जबकि अपना दल 4 और आरएलडी 5 सीटों पर दावेदारी कर रही है और इसी के चलते गठबंधन में पेच फंस गया है। बीजेपी के सहयोगियों ने बगावत के संकेत दे दिए हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव की ओर से भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर एनडीए में शामिल दल इंडिया में आते हैं तो वो विचार के लिए तैयार हैं। एनडीए में बगावत के संकेत ने यूपी में उसकी संभावनाओं को बिगाड़ दिया है। पहले ही कांग्रेस और सपा का गठबंधन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और अब एनडीए में बढ़ते टकराव ने बीजेपी को पूरी तरह से बैकफुट पर पहुंचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि सहयोगियों को मनाने के लिए ही योगी कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें सभी सहयोगियों की हिस्सेदारी भी बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन कैबिनेट हिस्सेदारी से राजभर को छोड़कर दूसरे सहयोगी मानते नहीं दिख रहे हैं। खासतौर पर अपना दल और आरएलडी की ओर से एनडीए छोड़ने तक के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी की परेशानी उसके नेताओं ने और बढ़ा दी है। दरअसल बीजेपी के टिकट पर कई नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। आज पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, लेकिन इसके बाद पार्टी में बड़ी बगावत की खबर सामने आने लगी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी एक बार फिर से वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तो अमित शाह गांधीनगर से चुनाव मैदान में होंगे। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से, एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, गुना से ज्योतिराज सिंधिया को टिकट मिला है, अलवर से भूपेंद्र यादव, नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 28 महिलाएं, 50 साल से कम उम्र के 47 लोगों को टिकट मिला है, 27 एससी, 18 एसटी के अलावा 57 ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी ने 5 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं, जिसमें उत्तर पूर्व दिल्ली से मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी उम्मीदवारों के नाम बदल दिए गए हैं। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी मामले में सुर्खियों में आए अजय मिश्र टीनी पर पार्टी ने एक बार फिर दाव लगाया है। लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया है। कन्नौज में एक बार फिर सुब्रत पाठक पर दाव लगाया गया है। कन्नौज से अखिलेश यादव सपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। अयोध्या फैजाबाद लल्लू सिंह को टिकट दिया गया है। फिलहाल बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर सहयोगियों में खलबली मच गई है। खास तौर से मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव वालियान के टिकट के ऐलान ने आरएलडी को नाराज कर दिया। दावा किया जा रहा है कि यहां से जयंत चौधरी आरएलडी का उम्मीदवार उतारना चाहते थे और इसी मुद्दे पर उन्होंने सपा से गठबंधन तोड़ा था और अब बीजेपी ने भी जयंत को किनारे कर दिया है। ऐसे में आरएलडी में एनडीए छोड़ने पर मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी के लिए इस बार चुनाव में कई चुनौतियां दिखाई दे रही हैं और उसकी ये चुनौती इंडिया गठबंधन ने और भी ज्यादा बढ़ा दी है। दांव पर पीएम मोदी की लोकप्रियता भी है। पीएम आज बिहार पहुंचे थे। 3 मार्च को पटना में महागठबंधन की रैली से पहले पीएम मोदी ने रैली भी की। इस रैली में सभी की नजरें नीतीश कुमार पर टिकी थी। तो क्या हुआ रैली में खास, जिससे जेडीयू दिख रही है परेशानी में, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी बिहार के औरंगाबाद पहुंचे थे। औरंगाबाद में कई विकास योजनाओं का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और फिर एक जनसभा को भी संबोधित किया। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, 10 दिनों में ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में पीएम की इस चुनावी रैली के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। मंच पर बिहार के सीएम और हाल ही में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौटे नीतीश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो किस मुश्किल में हैं। इस दौरान नीतीश कुमार ने मंच से भाषण भी दिया और जब नीतीश कुमार ने अपनी पलटी मार सियासत को लेकर कहा कि अब आपके साथ ही रहेंगे, तो पीएम मोदी सहित बीजेपी के दूसरे तमाम नेता भी हंसने लगे। पीएम की हंसी बता रही थी कि उन्हें नीतीश के बयान पर भरोसा नहीं है। 10 साल में ही नीतीश कुमार 5 बार पलटी मार चुके हैं और जब भी उन्होंने पलटी मारी तो और जिसका साथ छोड़ा उसके लिए ये ही कहा कि अब लौट कर नहीं जाएंगे, जहां आ गए वहीं रहेंगे, और बाद में पलटी मार गए। ऐसे में नीतीश कुमार ने जब बीजेपी के साथ ही रहने की बात कही तो बीजेपी नेताओं के ठहाके बता रहे थे कि नीतीश कुमार के बयान पर वो कितना भरोसा करते हैं। बड़ी बात ये भी है, तेजस्वी लगातार पीएम मोदी से पूछ रहे हैं कि क्या वे गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार फिर पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का आश्वासन ना तो विपक्ष के गले उतर रहे हैं और ना ही बीजेपी ज्यादा कुछ इस पर बोल रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं।
तो दूसरी ओर कांग्रेस लगातार मजबूत होती जा रही है। तेलंगाना में करीब 3 महीने पहले ही कांग्रेस की सरकार बनी है, इसके बाद से ही राज्य में पार्टी का ग्राफ तेजी से चढ़ता ही जा रहा है, तो मुख्य विपक्षी दल बीआरएस को झटके पर झटके लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। लगातार बीआरएस को राज्य में झटके पर झटके लग रहे हैं। जहीराबाद संसदीय सीट से बीआरएस के मौजूदा सांसद भीमराव पाटिल ने जहां 1 मार्च को बीआरएस का साथ छोड़ दिया, वहीं एक दिन पहले नगर कुर्नल से सांसद पोथुगंती रामूल भी बीजेपी में शामिल हो गए। सूत्रों के मुताबिक 4 सांसद कांग्रेस में शामिल होने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं और पार्टी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पिछले महीने पेड़ापल्ली से सांसद बोर्ला कुंता वेंकटेश और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड के पूर्व सदस्य मन्ने जीवन रेड्डी ने भी भारत राष्ट्रीय समिति से इस्तीफा दे दिया था और नई दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बीआरएस को तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 सीट पर एआईएमआईएम को जीत मिली थी। बीआरएस के 9 सांसद में से 3 सांसद अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं, जबकि 2 की बातचीत अंतिम दौर में है। दरअसल पिछले साल दिसंबर में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद से बीआरएस में भगदड़ मची हुई है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार से जहां केसीआर अभी तक उभर नहीं पाई है, वहीं बीआरएस के सांसद या तो कांग्रेस में जा रहे हैं या बीजेपी में, या फिर लोकसभा चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि राज्य में बीआरएस का जनाधार तेजी से खत्म हो रहा है और कांग्रेस लगातार राज्य में मजबूत होती दिखाई दे रही है। बीआरएस के आधे से ज्यादा सांसद पाला बदलने की तैयारी में है, 3 तो बदल भी गए हैं। बीआरएस को जहां झटके लग रहे हैं, तो दूसरी ओर आज दिल्ली हाई कोर्ट से एमसीडी को भी झटका लगा है। हाई कोर्ट ने एमसीडी भंग करने तक की बात कह दी है, तो क्यों एमसीडी को लेकर सख्त रुख दिखाया कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में देरी और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में विफल रहने पर दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर वेतन भत्ते नहीं दिए गए तो नगर निकाय को भंग करने का निर्देश दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब आप कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर सकते तो आपसे विकास कार्यों की उम्मीद कैसे की जा सकती है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जज मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने एमसीडी के वकील से कहा कि एमसीडी का कहना है कि राज्य सरकार भुगतान करेगी या केंद्र भुगतान करेगा, ये आपके कर्मचारी है न कि आतंकवादी समूहों के कब्जे वाले लोग हैं जिनके लिए कोई फिरौती देने को तैयार नहीं है, उन्हें वेतन मिलना चाहिए, ये आपका वैधानिक दायित्व है। पीठ ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप वेतन नहीं दे सकते तो आप सातवें वेतन आयोग को लागू नहीं कर सकते, तो आपसे विकास कार्य करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है, कौन सा ठेकेदार आपके लिए काम करेगा। कोर्ट ने आगे कहा कि आपको ऐसा लगता है कि मानो यह कोर्ट दान पुण्य है जो आप कर रहे हैं, ये वैधानिक बकाया है, हर महीने तो वो आ नहीं सकते, आपको समय पर भुगतान करना होगा, ये इस तरह लंबा नहीं खींच सकता, खुद को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए, यदि आप नहीं कर सकते तो आपके पास रुकने का कोई काम नहीं है, इससे कुछ बेहतर सिस्टम सामने आना चाहिए। उधर एमसीडी के वकील ने कहा कि निगम एकीकरण के बाद स्थितियों में सुधार हुआ है, जनवरी महीने तक का वेतन और पेंशन का भुगतान किया है। इस पर पीठ ने कहा कि वो इससे बेहतर प्रणाली का इस्तेमाल करे। एमसीडी के मामले में तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है, लेकिन किसानों के मामले पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। बीजेपी सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकने में जुटी है, इसके लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। हालात ये हो गए हैं कि अब किसान भी कहने लगे हैं कि सरकार चाहती है कि हम लोग दिल्ली नहीं बल्कि लाहौर चले जाएं। तो क्यों किसानों की भर्ती जा रही है नाराजगी, देखिए ये रिपोर्ट। किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। करीब 3 सप्ताह हो चुके हैं किसान दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन्हें रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी बीच किसानों की भर्ती नाराजगी के बीच अब किसान नेता ही कहने लगे हैं कि दिल्ली से तो नजदीक लाहौर है, दिल्ली पहुंचना मुश्किल दिख रहा है, सरकार ही नहीं चाहती कि किसान दिल्ली आए। सरकार ने किसानों को रोकने के लिए ऊंची नुकीले कटीले तार लगाए हुए हैं, उसे पार कर पाना इस बार किसानों के लिए आसान नहीं है। ऊपर से किसानों पर सुरक्षा बल की ओर से जो बल प्रयोग हो रहा है उसने किसानों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सवाल पूछा जा रहा है कि किसान दिल्ली नहीं जाएं तो क्या लाहौर जाएं?
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि जिस तरह से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई है वो भारत पाकिस्तान सीमा की याद दिलाती है। इस बीच 3 मार्च को किसान दिल्ली कूच को लेकर बड़ा फैसला करेंगे। दरअसल जिस तरह से किसानों पर बीजेपी सरकार सख्ती दिखा रही है उससे किसानों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। और बुलेटिन हेलो कार्तिक सर, थोड़ा आगे जो है चलो रात में टीवी से उठो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब